वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं रक्षित और आज मैं बात करने जा रहा हूं ग्राम विकास परिषद और ग्राम परिषद के बारे में। ये दो शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं और मैं आज इनके ऊपर बात करना चाहता हूं कि इन शब्दों की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है, खासकर ग्राम पंचायतों के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ आज। जिस प्रकार ग्राम सभा का आयोजन होता है उसमें ग्राम पंचायत के वयस्क जो मताधिकार रखने वाले लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पंचायत में जो भी बजट वगैरह बनता है या जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसमें वो लोग शामिल होकर अपने विचार रखकर ग्राम पंचायत के विकास में एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों बात करना चाहता हूँ ग्राम विकास परिषद या ग्राम परिषद के बारे में। और ये ग्राम परिषद का जो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया है वो राज्यसभा से और विधान परिषद से आया है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं गांव के संदर्भ में, ग्राम पंचायत के संदर्भ में यहाँ पर अपने विचार के रूप में प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये ठीक लगता है कि हाँ ग्राम विकास या ग्राम परिषद गाँव के विकास में, गाँव के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये बताने की कोशिश करना कि वास्तव में ये कॉन्सेप्ट कितना सफल साबित हो सकता है। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि पंचायत के अंदर जो जनप्रतिनिधि के रूप में हम सरपंच को, उपसरपंच को और वार्ड पंचों को चुनते हैं और ये एक तरह से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत के विकास में प्रस्ताव बनाने में एक बड़ा फैसला तय करते हैं लोगों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए, और इस काम को करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो ग्राम सचिव है जिसको आजकल ग्राम विकास अधिकारी कहा जा रहा है और पटवारी हैं, सहायक कृषि जो कृषि पर्यवेक्षक हैं या पशुधन सहायक हैं, ग्राम सचिव के साथ में काम करने वाले पंचायत सहायक हैं। इस प्रकार एक पंचायत का जो निर्धारण होता है उसके प्रशासनिक बॉडी और जनप्रतिनिधियों की बॉडी को आपने देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों वो ग्राम परिषद को लेकर है। इस ग्राम परिषद में कौन कौन लोग इसके मेंबर के रूप में शामिल होने चाहिए और इनकी भूमिका क्या होगी, मैं इनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम संसद में देखते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें जो राज्यसभा के सदस्य जो चुनकर आते हैं वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं एक तरह से, और आपने देखा होगा कि कुछ सदस्य संसद में और कुछ सदस्य विधान परिषदों के अंतर्गत, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी दक्षता होती है, कोई चिकित्सा क्षेत्र से यानी विज्ञान के क्षेत्र में जिनका अच्छा योगदान है, किसी का साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान है, कोई सामाजिक अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई है वो, और या कोई खेल जगत से कोई हस्ती होती है उसको राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत किया जाता है, यह आपने देखा होगा। ठीक इसी प्रकार विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी ये देखा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ गांव के संदर्भ में, हमारी पंचायत के संदर्भ में, कि यहाँ पर ये ग्राम परिषद में कौन लोग हो सकते हैं और ये किस प्रकार भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक मत यह है दोस्तों कि एक तो किसान दल का नेता, एक मजदूर दल का नेता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इसके अलावा गांव के जो जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक वो सदस्य के रूप में एक तरह से उसमें शामिल हो सकते हैं ग्राम परिषद में। और एक दूसरा विषय है, अगर महिलाओं की कोई गांव के अंदर SHG बना हुआ है या कोई समूह है महिलाओं का, तो उस महिला समूह की अध्यक्ष उसकी मेंबर के रूप में बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से मतलब इसमें अलग अलग सदस्य आ सकते हैं, कोई अगर अच्छा एक एजुकेटेड व्यक्ति है गांव का और वो रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन मतलब पंचायत के सुधार में अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको भी एक मेंबर के रूप में, एक सदस्य के रूप में ग्राम परिषद में जोड़ा जा सकता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जैसा आपने देखा है
कि मैंने एक महिला दल के नेता के रूप में, जैसे SHG बना हुआ है महिलाओं का, तो उस समूह की नेता भी सदस्य के रूप में हो, एक मजदूर दल का नेता है वो भी सदस्य के रूप में हो सकते हैं, एक किसान दल का नेता वो भी सदस्य के रूप में हो सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सदस्य के रूप में हो सकते हैं, और उस पंचायत के दायरे में आने वाली स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भी एक सदस्य के रूप में उसमें शामिल हो। तो ये क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो प्रस्ताव बनते हैं, जो बजट बनता है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वैसे ग्राम सभा में ये सब लोग शामिल एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इन समूहों के आने से एक जो यूनिट लेवल पर जो प्रतिनिधित्व की बात है, यहाँ पर आप मजदूरों के प्रतिनिधित्व की बात देखेंगे, यहाँ पर आप किसानों के अधिकारों की बात देखेंगे, उनके विकास को लेकर यहाँ पर मुद्दे रखे जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई जितने भी जो महिलाएं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन महिलाओं के हक की बात कहने के लिए अगर उनकी तरफ से कोई कार्यकर्ता उस सदस्य के रूप में होगी तो वो अपनी बात कह सकेगी। तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब, और स्कूलों की तरफ से जैसे मैंने प्रधानाचार्य जी का एक उदाहरण के तौर पर बताया है एक सदस्य के रूप में, तो वो अपनी बात रख सकेंगे क्योंकि गांव के एक प्रधानाचार्य के दिमाग में काफ़ी कुछ एक बड़ा खाका बना हुआ होता है गांव के विकास को लेकर। वो काफ़ी कुछ सोचते हैं कि वो अपने विचार एक पंचायत के प्रस्तावों में किस प्रकार रखें, और वो इतने सक्षम भी होते हैं, लेकिन एक तरह से स्थानीय प्रशासन का एक जो सक्रिय भूमिका उनकी जो होनी चाहिए, वो फिलहाल प्रशासन से उनकी दूरी बनाए हुए हैं, डिस्टेंस पर है, क्योंकि उनको एक तरह से हमने काम थोप दिया है पढ़ाई का, तो वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा जैसा कहते हैं कि शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है, वो राष्ट्र निर्माता हमने सिर्फ बच्चों तक सीमित करके रखे हैं, जबकि वो उन बच्चों के पेरेंट्स से भी जुड़े हुए होते हैं, और वो गांव के बारे में जितना यूनिट लेवल पर इतना करीब से गांव को जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रस्तावों में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ग्राम परिषद या ग्राम विकास परिषद की एक अवधारणा को आपके सामने रखा है, और मैं ये जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया है वो विधान परिषद और राज्यसभा से आया है, कि जिस प्रकार संसद में राज्यसभा की जो भूमिका होती है, और विधान जो राज्य के संदर्भ में देखते हैं, तो राज्य विधान परिषद जो भूमिका अदा करती है उसको लेकर मैं समझता हूँ कि गांव के संदर्भ में भी, पंचायत के संदर्भ में भी, ग्राम परिषद एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है, लोग कहेंगे कि इससे पंचायतों के कार्यों में एक तरह से देरी आएगी और उलझनें ज़्यादा बढ़ेगी, एक इस तरह के तर्क रखे जा सकते हैं, और पंचायत की जो गतिविधियां हैं उसमें एक तरह से बोझ के रूप में ये एक तरह से हो सकती है, और दबाव बनाएगी पंचायत की गतिविधियों में, जिससे प्रशासनिक कार्यों में देरी आएगी, इस प्रकार के तर्क आ सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चीज़ें तो ग्राम जो विधान परिषद और राज्यसभा के संदर्भ में भी होता है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रकार की बॉडी बनने से गांव को एक नया एंगल मिलेगा, और जो इंटेलेक्चुअलिटी की बात है, एक यूनिट स्तर पर जो डेवलपमेंट की बात है, उसमें मैं समझता हूं कि ये समूह बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक समूह जैसे मैंने मजदूरों की बात करी है कि मजदूर दल का नेता भी उसका एक सदस्य बन सकता है। इसके अलावा भी जैसे बाउंडेड लेबर जो बंधुआ मजदूर होते हैं, उनका भी एक दल होता है, उस दल का नेता भी उसमें एक अतिरिक्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। और अगर गांव में कोई विशेष प्रकार का कोई एक्सप्लोइटेशन हुआ है, या तो उस एक्सप्लोइटेशन से बचने वाली जो सर्वाइवर्स हैं, उन सर्वाइवर्स का एक समूह हो, उसका नेता भी ग्राम परिषद के एक सदस्य के रूप में मैं समझता हूं कि उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये उनका एक जनप्रतिनिधित्व के रूप में उनको शामिल करना चाहिए, ताकि वो पंचायत में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, गाँव के विकास में अपनी तरफ से कुछ आउटपुट दे सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा है, आपको आपके अगर कुछ तर्क हैं इसको लेकर, आप क्या सोचते हैं कि मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कितना विवादास्पद हो सकता है या कितना महत्वपूर्ण हो सकता है पंचायत की विकास में, इसको लेकर आप अपनी बात कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी दोस्तों ने मेरे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल एनलाइटन भारत को सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।